हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलएनवी ओपेनियम सिग्नल सिस्टम में लैपलास ट्रांसफॉर्म में एलएनवी ओपेनियम का बुक का 9.36 नंबर प्रॉब्लम का सलूशन करने जा रहे हैं। 9.36 नंबर प्रॉब्लम है, इसमें आपको ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बेसिक स्टेप से वन बाय वन सिखाएगा। एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं है, एक थ्योरी है जिसमें किस तरीके से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करके ब्लॉक डिफरेंट टाइप के ब्लॉक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, कैस्केड फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिटेल में डीपली आपको सिखाने जा रहा है। मतलब इस प्रॉब्लम को करने के बाद ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का काम आपका और भी ज्यादा आसान होने जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम की बारीकी को समझेंगे वन बाय वन। इस प्रॉब्लम में बहुत सारे पार्ट है, ए से लेके जी तक पार्ट है। वो थ्योरी है, चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ना बताएं, हम ये मान के चलें कि इस प्रॉब्लम के माध्यम से लैपलास ट्रांसफॉर्म का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की मास्टरी हासिल करनी है। इस ध्येय से, इस लक्ष्य से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक अच्छा खासा सा सिस्टम दे रखा है जिसके न्यूमरेटर में भी टर्म है। इसका सिस्टम फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन HS दे रखा है 2s² + 4s - 6। डिनोमिनेटर में टर्म है s² + 3s + 2, ऐसा टर्म है। इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना है डायरेक्ट फॉर्म में। पहले डायरेक्ट फॉर्म भी बोला है, फिर कैस्केड, फिर पैरेलल फॉर्म में भी बोला है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्म में ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करने में किन किन फेजेस से गुजरना पड़ेगा, वो वन बाई वन ABCDEF करके आपको प्रॉब्लम दे रखा है। बड़ा अच्छे से और बड़ा मस्त तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से ओपन हमने इस बात को समझा रखा है। तो उसने क्या बोला है कि ये सिस्टम है जिसका इनपुट XT है और आउटपुट YT है ना। मतलब एक सिस्टम है जिसका इनपुट XT है, आउटपुट YT है। इसका डायरेक्ट फॉर्म ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हमें पता करना है। और इस सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में पता करने के लिए इसको दो सिस्टम में ब्रेक करना है। एक सिस्टम S1 और एक सिस्टम S2, दोनों कैस्केड है। S1 का आउटपुट Y1T है, नेचुरल सी बात है, Y1T S2 सेकंड सिस्टम का इनपुट होगा, फाइनल आउटपुट YT है और फाइनल इनपुट XT ही है। इसके इक्विवेलेंट दो सिस्टम ले लिया है। फर्स्ट सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखा है 1s² + 3s + 2 और सेकेंड सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखा है 2s² + 4s - 6। नेचुरल सी बात है, H1s × H2s करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएगा 2s² + 4s - 6 / s² + 3s + 2। ये हो जाएगा y1s / xs × ys / y1s। y1s कैंसिल आउट हो जाएगा, ys / xs = hs, तो सेम आ जाएगा ना। तो हम इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये सिस्टम दे रखा है h2s = 2s² + 4s - 6 = ys / y1s। तो पहला जो है, एक्सप्रेस yt एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1t dy1t / dt d2y1t / dt² और h1s का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है ना, इसका दे रखा है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। h1s का फर्स्ट सिस्टम का आउटपुट y1t है, इनपुट xt है। तो yt का रिलेशन y1t में लाना है, तो इस वाले रिलेशन से आएगा ना, आउटपुट सेकेंड वाले सिस्टम का ys / y1s = 2s² + 4s - 6।
अगर वाई वन एस को राइट साइड लेके चले जाएं, वाई वन एस को राइट साइड लेके चले जाएं तो क्या बन जाएगा, वाई एस इक्वल टू टू एस स्क्वायर प्लस फोर एस माइनस सिक्स, इन टू वाई वन एस टू एस स्क्वायर वाई वन एस प्लस फोर एस वाई वन एस माइनस सिक्स वाई वन एस। लेकिन वाई एस और वाई वन एस के बीच रिलेशन लाया, लेकिन इसमें वाई टी और वाई वन टी डी वाई वन टी के बीच रिलेशन लाने कर रहा है, तो इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले ले, टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसका अगर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म आप ले लीजिएगा तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, वाई एस का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म वाई टी हो जाएगा और एस एक्स एस डीएक्सटी अपॉन डीटी का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है ना, डीएक्सटी अपॉन डीटी का प्रॉपर्टी पढ़े ना, टाइम डोमेन में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो लैपलास डोमेन में सिंपली एस से मल्टीप्लाई हो जाता है, टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन करते हैं तो लैपलास डोमेन में एस डोमेन में सिंपली एस से मल्टीप्लाई हो जाता है, काम आसान बनाने वाला है। तो एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो इसका इनवर्स लैपलास उल्टा करें तो डी टू वाई वन टी अपॉन डी टी स्क्वायर, फोर एस वाई वन एस का डी वाई वन टी अपॉन डी टी माइनस सिक्स वाई वन टी आ गया है। प्रॉब्लम नंबर ए पार्ट, इसका ए पार्ट पढ़िए, क्या बोला था, एक्सप्रेस वाई टी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाई वन टी डी वाई वन टी डी टू वाई वन टी अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये आ गया क्या, वाई टी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डी टू वाई वन टी अपॉन डी टी स्क्वायर डी वाई वन टी अपॉन डी टी माइनस सिक्स वाई वन टी। तो इसको बोल सकते हैं कि आंसर है ए पार्ट का, ये क्या हो गया, ए पार्ट का आंसर आ गया। तो अब यहां से ए पार्ट वाला क्वेश्चन हम हटा देते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लिया। बी पार्ट अब लिखने जा रहा हूं मैं प्रॉब्लम, बी पार्ट बोल रहा है कि हाउ इज डी वाई वन टी अपॉन डी टी रिलेटेड टू एफ टी, रिलेटेड टू एफ टी। ये जो डायग्राम दे रखा है ना, डायग्राम दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, बुक अपने पास भी रख लीजिए तो बुक में भी देख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। डायग्राम में दो वेरिएबल ले रखे हैं ई टी और एफ टी। अब बोल रहा है कि एफ टी डी वाई वन टी अपॉन डी टी से कैसे रिलेटेड है, अरे भैया ऐसा बोलो ना तुम कि एफ टी वाई वन टी से कैसे रिलेटेड है ना, एफ टी और वाई वन टी के बीच क्या रिलेशन है। तो देखिए डायरेक्ट ही कनेक्टेड है ना जी, यहां एफ टी है, यहां वन बाई एस है और यहां वन बाई वन टी है ना, तो आउटपुट इनपुट और सिस्टम फंक्शन को मल्टीप्लाई करके आता है, मतलब वाई वन एस अगर निकालेंगे तो वन बाई एस एफ एस हो जाएगा, यहां से एफ एस निकालेंगे तो एस वाई वन एस आ गया ना, इनवर्स लैपलास ट्रांसफर करेंगे तो एफ टी इक्वल टू डी वाई वन टी अपॉन डी टी। तो कैसे रिलेटेड है भाई, तो दोनों बराबर है भाई है ना, एफ टी किसके बराबर है, एफ टी किसके बराबर है, डी वाई वन टी अपॉन डी टी के बराबर है जी, एफ टी आपका डी वाई वन टी अपॉन डी टी के बराबर है। तो हाउ इज डी वाई वन टी अपॉन डी टी रिलेटेड टू एफ टी, तो क्या इसका जवाब आया, एफ टी इज इक्वल टू डी वाई वन टी अपॉन डी टी, डी पार्ट का आंसर आ गया। अब सी पार्ट पे आते हैं, हाउ इज सी पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ इज
डी टू बाई वन टी अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू बाई वन टी अपॉन डी टी स्क्वायर रिलेटेड टू ई टी, एफ टी नहीं, ई टी, ई टी से कैसे रिलेटेड है? तो जैसे अभी हमने किया एफ टी और बाई वन टी के बीच रिलेशन लाया, वैसे ही एफ टी और ई टी के बीच भी रिलेशन ला सकते हैं आप। जल्दी खुद से करिए, सेम वैसा ही तो है ना, एफ टी के पहले ई एस लगा हुआ है, एफ टी इनपुट में है ना जी, एफ टी के पहले वन बाई एस लगा हुआ है ई टी, तो एफ टी और ई एस में भी रिलेशन ला सकते हैं, एफ एस इक्वल टू वन बाई एस ई एस, इसका मतलब हो गया ई एस इक्वल टू एस एफ एस, इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ई एस इक्वल टू क्या है आपका एस एफ एस, एफ एस की वैल्यू एस बाई वन एस पुट कर दें तो हो जाएगा एस स्क्वायर बाई वन एस। ई टी और वाई टी में भी रिलेशन आ गया, वाई एस में रिलेशन आ गया, ई एस और इसी वाई टी में भी आ जाएगा ना, ई टी इक्वल टू देखिए है ना, समझा रहा है कि ई टी और कुछ नहीं है भाई, ई टी आपका कुछ नहीं है, डी टू बाई वन टी अपॉन डी टी स्क्वायर है, ई टी आपका क्या है डी टू बाई वन टी अपॉन डी टी स्क्वायर है। टाइम डोमेन में ब्लॉक डायग्राम का इक्वेशन लिखना है टाइम डोमेन में लिखिए, लैपलास डोमेन में लिखना है एस डोमेन में लिखना है एस डोमेन में लिखिए, पूरी आजादी है आपको, मतलब यहाँ ई एस इक्वल टू एस स्क्वायर बाई एस भी लिख सकते हैं, लिखने वाले क्या लिखते हैं यहाँ, यहाँ पे भाई क्या है ई एस किसके बराबर है एस स्क्वायर बाई वन एस के बराबर है भैया, एफ एस किसके बराबर है भाई एस बाई वन एस के बराबर है भाई, एकदम ध्यान में कर लीजिए इस बात को, क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखेगी आपको, जैसे शांत पानी में नीचे जो भी पत्थर कंकड़ रहते हैं सब कुछ दिखते हैं, ऐसे ही ब्लॉक डायग्राम दिखेगा आपको, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। एसी पार्ट तो कर लिया हमने भाई, अब डी पार्ट, डी पार्ट क्या बोला है, डी पार्ट उड़ा दो, जगह नहीं है तो उधर लिखो, डी पार्ट क्या बोला है, एक्सप्रेस वाई टी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, एक्सप्रेस वाई टी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ combination of linear combination of et ft and by 1t hai na, et ft and by 1t kaise aayega bhai, et ft and by 1t अभी ए पार्ट में तो हमने वाई टी और वाई वन टी के बीच रिलेशन लाया था ना जी, ए पार्ट में क्या लाया था भाई, वाई एस इक्वल टू क्या लिखा था टू एस स्क्वायर, इस वाले इक्वेशन से, अरे कहीं बाहर नहीं जाना है भाई, हमारे पास नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है तो हमारे पास ना, वाई एस इक्वल टू क्या होगा टू एस स्क्वायर वाई वन एस प्लस फोर एस वाई वन एस माइनस सिक्स वाई वन एस, ऐसा लिखा था ना जी, मतलब 2d2 by t upon dt square, ऐसा निकाला था ना अभी, प्लस 4d by 1t upon dt माइनस 6 by 1t, ये निकाल चुके हैं a पार्ट में ना, और d2 by 1t upon dt square b पार्ट में, c पार्ट में हमने लाया है 2e1t के वैल्यू के बराबर है, और d by 1t upon dt b पार्ट में लाया है f1t के बराबर है माइनस सिक्स बाई वन टी, ये आ गया वाई टी, अच्छी जगह पे इसको लिख दूं भाई, काम का चीज है भाई, आ गया ब्लॉक डायग्राम बनाने में काम आएगा, वाई टी इक्वल टू टू ई वन टी प्लस फोर एफ वन टी
माइनस सिक्स बाय वन टी। चलिए इसको नोट डाउन किया जाए, डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट में क्या बोला है, यूज द रिजल्ट फ्रॉम प्रीवियस पार्ट टू एक्सटेंड द डायरेक्ट फॉर्म ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस वन टू एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस। एस वन का तो दे रखा है, अब एस का निकालना है, इसको यूज करना है, मतलब इसमें बाई वन टी निकालना है ना। अब बाई टी के लिए एक्सप्रेशन तो आ रखा है, तो बाई टी के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे भैया, कैसे बनाएंगे भैया, वाई टी इक्वल टू क्या होगा, किसका किसका एडिशन होगा वाई टी का, बताइए भाई। आउटपुट जो होगा टू इवन टी, इवन टी का है, इवन टी, इवन टी में टू लगाया श्रीमान, इवन टी में टू लगाया जाए श्रीमान, यहां से टू मल्टीप्लाई कर दीजिए इवन टी, है ना। उसको ऐड करना है किसके साथ, फोर एफ वन टी, यहां से फोर लगाइए, फोर लगाइए श्रीमान, फोर एफ वन टी को साथ ऐड करना है, और ये जो ऐड होके जो आएगा उसको किसके साथ ऐड करना है भाई, माइनस सिक्स बाय वन टी, ये बाय वन टी है ना भाई। अब इसका काम खत्म हो गया, बस कुछ समय के लिए हमने हायर किया था, भाड़े पे लिया था, हम लौटा दिए, हम ए बाय वन टी यहां था, याद रखने के लिए लिख लीजिए, माइनस सिक्स बाय वन टी इसमें जाके जुड़ेगा, एडर है भैया यहां, और यहां से जो आउटपुट आएगा वो वाई टी आ गया। ये हो गया डायरेक्ट फॉर्म ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एच एस। ऐसे होता है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, जब आपको करने की बारी आएगी तो इतना कुछ नहीं करेंगे, यहाँ टू है तो यहाँ टू लगा देंगे, यहाँ फोर है यहाँ फोर लगा देंगे, यहाँ माइनस सिक्स है यहाँ माइनस सिक्स लगा देंगे। डिनोमिनेटर वाला का करना तो जानते हैं हमने, इसीलिए 9.37 पहले ही करवा दिया है आपको, कि डिनोमिनेटर वाले का ब्लॉक डायग्राम बनाने में कोई समस्या ही ना हो। पहले 9.37 करवाया हमने, फिर 9.36 किया, इसी ऑर्डर में आप भी करिए। हम जब किसी प्रॉब्लम को पहले करवा रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को बाद में करवा रहे होते हैं, तो उसके पीछे पूरी एनालिसिस छुपी होती है, आपको कैसे बताया जाए, किस ऑर्डर में बताया जाए, किस हिसाब से बताया जाए, वो बैठ के डिस्कस करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, चिंतन करते हैं कि किस तरीके से आपको समझाया जाए, तो कम समय में आपकी जो बातें हैं आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, इसके लिए पूरी एनालिसिस करते हैं, तब जाके हम यहाँ पे आते हैं। एडिटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो टाइम एडिटिंग में वेस्ट कर सकते थे उसके जगह पे चिंतन करते हैं कि भाई क्या तरीका बताया जाए बच्चों को, ताकि चीजें उनके दिमाग में बैठ जाए और किसी भी टाइप के हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम को वो आसानी से थिंक कर पा जाए, उसके बारे में थिंक पर कर पाए और रिजल्ट पे पहुंच पाए। और यही तरीका भी है, जीवन में सफलता पाने का एक ही रास्ता है, 80% समय आपका प्लानिंग पे होना चाहिए और 20% टाइम इम्प्लीमेंटेशन पे होना चाहिए। मेहनत करने वाला सफल नहीं होता है, चिंतन करने वाला सफल होता है। कैसे हमें मेहनत करना है उस पे प्लानिंग करने में आप ज्यादा समय दे रहे हैं, तभी आपको सक्सेस हो मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं इतना मेहनत करता हूं, मैं दिन रात पढ़ता हूं, सुबह शाम पढ़ता हूं, 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, आईएएस नहीं निकल रहा है, आईएएस नहीं निकल रहा है, गेट में रैंक नहीं आ रहा है। भाई आपका जो एफर्ट है, जो मेहनत है, मेहनत का समय 20% ही होना चाहिए, बाकी 80% क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे अटेम्प्ट करें, ये सारी चीजों को एनालाइज करने में ही समय जाना चाहिए मैक्सिमम टाइम, 80% समय। 80% समय समझ रहे हैं कितना बड़ा टाइम होता है, अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटे आपको ये सोचने में, इसकी प्लानिंग करने में, प्रॉपर प्लानिंग करने में जानी चाहिए, और 2 घंटे से पढ़ने में जानी चाहिए, तभी सफलता हासिल होगी। मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। अभी बड़े बड़े जो कंपनियां जो चलती है, सक्सेसफुल कंपनियां होती है, मिनिस्ट्री होती है, जो गवर्नमेंट चलती है, तो क्या होता है,
मीटिंगें होती है, सुबह से शाम तक मीटिंगें होती है, एनालिसिस चलता है ना, और काम तो थोड़ा सा होता है लेकिन उसके पीछे की प्लानिंग बहुत लंबी होती है। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आता है तो 10 साल उसके पीछे मीटिंग बैठ के ये सारी चीज चलती रहती है, तब जाके फाइनल होके वो प्रोजेक्ट बनने में तो 1 साल लगता है। तो ये चीज है, यही तरीका है और यही तरीका व्यस्त तरीका है, और इसी तरीके को आप पढ़ाई में भी लेके आएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अब आ गया एफ पार्ट, है ना। एफ पार्ट को एचएस में, एचएस को कैस्केड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस एज ए कैस्केड कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब सिस्टम। टू सब सिस्टम का कैस्केड कॉम्बिनेशन मतलब इसको फैक्टर कर लिया, एचएस को हम अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? बुक में तो फैक्टर करके दे दिया है, मैं आपको फैक्टर करके दिखाता हूं। टू तो पहले कॉमन ले लेंगे, एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3, नीचे वाले को ब्रेक कर दें, 2s प्लस s प्लस 2, ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 3s माइनस s माइनस 3। एस कॉमन ले लें तो एस प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लें तो एस प्लस 2 ए आ गया, एस प्लस 3 इंटू s माइनस 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 इंटू s प्लस 1। किसको किसको एक साथ लिया है भाई? 2s माइनस 1, एच एस में किसको एक साथ लिया है? 2s माइनस 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2, 2s माइनस 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 को एक साथ लिया है, और s प्लस 3 और s प्लस 1 ना, इन दोनों को एक साथ लिया है। इन दोनों का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करके फिर इसको कैस्केड फॉर्म में कंबाइन करना है, कर सकते हैं। ये है एफ पार्ट, क्या बनेगा भाई? XT अगर हम इनपुट दे दें, इसका मैं बता रहा हूं, देख चुके हैं पहले, डिनोमिनेटर का बनाएंगे 1/s, यहां से क्या जाएगा -2 है ना, नीचे भी लगा सकते हैं यहां भी लगा सकते हैं कोई नहीं, प्लस 2 है तो डिनोमिनेटर में -2 लगता है, ये अरे टेढ़ा का आया जा रहा है अभी, ठीक है यहां -2 हो गया। अब ऊपर वाला क्या जाएगा? 2s स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो 2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें साइन चेंज नहीं होता है, यहां एडर होगा, यहां क्या होगा -2, ये आउटपुट इसका आ गया। इसका आउटपुट दूसरे का क्या होगा? इनपुट होगा, यहां कर ले, इसके आउटपुट को दूसरे के इनपुट में ले आए, फिर दूसरे जगह एडर होगा प्लस, फिर दूसरे का देखेंगे, यहां 1/s हो गया, ये -1 यहां जा रहा है, कोई इधर एडर तो है नहीं, ऊपर क्या जा रहा है? इधर से 1 जा रहा है, 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी लगा देते हैं। चलिए इसके साथ कोफिशियंट क्या है? 1 है, यहां एडर है, यहां क्या जा रहा है? 3 है ना, प्लस 3 है तो प्लस 3 ही लगाएंगे, ऊपर वाले में साइन चेंज नहीं होगा, यहां से आउटपुट YT आ गया, तो ये हो गया कैस्केड फॉर्म में, ठीक है। अब आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसमें, है ना, आपको फिर से डेराइव करके ये तरीका है ना पूरा करने की जरूरत नहीं है कि डिनोमिनेटर को फिर उसके टर्म में लेके आइए सारा करिए। अब आप बहुत ब्लॉक डायग्राम बना चुके होंगे, आप सीधे बनाएंगे, उतना स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ऑब्जर्विंग डेट इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर किया है, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह करने के बाद क्या है, पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन करने पे पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेगा, डिवाइड वगैरह करके इसका आया है एच एस इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन s प्लस 2 -8 अपॉन s प्लस 1। अब इसका ड्रॉ ब्लैक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सबसिस्टम, ये 3 सबसिस्टम बनेंगे ना, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, तो कर सकते हैं।
एक्स टी इनपुट है, यहाँ से तीन आउटपुट आएगा, एक तो टू ही मल्टीप्लाई होकर आउटपुट में चला जाएगा, दूसरा क्या जाएगा भाई, ये है ना फीडबैक वाले सिस्टम आएंगे ना भाई, यहाँ वन बाई एस होता है, वन बाई एस लगाइए, यहाँ एस प्लस टू है तो यहाँ माइनस टू होगा, ये आ गया, इसका आउटपुट क्या आ गया, वन बाई एस प्लस टू, इसमें सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिक्स बाई एस प्लस टू आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ भी एक लगाइए, इसका आउटपुट क्या है, वन बाई एस प्लस वन, यहाँ माइनस वन कर लें, एस प्लस वन है तो, और इसके आउटपुट में से माइनस एट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, ये बाई टी हो गया, ये पैरेलल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एचएस हो गया। तो एचएस को डायरेक्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, कैस्केड सीरीज फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैरेलल फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट कर दिया भाई, वो जो ईएस वगैरह लेके करते थे ना, वो हमने 9.37 में भी समझा रखा है, और उसके पहले वाले एलटी 40 वाले वीडियो में, 39 वाले वीडियो में समझा रखा है, उसमें पूरे इंग्लिश मीडियम में हमने किया था, एलटी 39, एलटी 40, अब एलटी 41 पे आ रहे हैं, तो थोड़ी तो सहूलियत दें, आपका भी समय कितना बर्बाद करें। तो डायरेक्ट भी कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए चीज़ों को, है ना, कॉम्पिटिशन में उतना स्टेप्स वगैरह लेके नहीं करना है। तो सेमेस्टर के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो LT 39, LT 40 वाले वीडियो को अच्छे से देखिए, और कंपटीशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो LT 41 वाले वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं, शायद एक प्रॉब्लम और बच गया है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का, 9.38, इसमें वैसे जिसका फैक्टर नहीं हो सकता है, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर उसका ब्लॉक डायग्राम करना, अगर फैक्टर कर दें जबरदस्ती तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, फिर उससे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम का कैसे करेंगे जिसके फैक्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, तो सारे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक क्षमा चाहते हैं आपसे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर तो जरूर करें भैया।